केदारनाथ की यात्रा हमारी शुरू हो रही है। गौरीकुंड में खड़े हैं 16 किलोमीटर, वो हम कवर करने जा रहे हैं। पैदल जाएंगे ट्रैक से। गोवा से समुद्र स्थल से धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो स्पेशल अपनी फिटनेस पे आने से पहले बिल्कुल ध्यान रखिए, सांस वांस की प्रॉब्लम आपको ना हो। और बिल्कुल भी अगर आप एक बार शुरू करें तो भगवान का नाम लेके शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, कल रात में हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे केदारनाथ धाम, जो हमारा मंदिर है वहाँ पे रात में हमने स्टे किया। आज डे 3 ऑफ अवर हिमालयन यात्रा, केदारनाथ के बहुत करीब है हम लोग। रात में काफी लेट हो गया था तो हम केदारनाथ के पास यहाँ पे होम स्टे है वहाँ पे हमने स्टे किया था। अब यहाँ पे निकल रहे हैं हम, सुबह के अराउंड 7 से ऊपर हो चुका है। केदारनाथ पहुंचना है अभी सोनप्रयाग, देन केदारनाथ की चढ़ाई करनी है। काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड व्यू, वैली है। शुरू कर रहे हैं अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ में, दोनों ही गाड़ियाँ अपनी तैयार है और वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हैव अ गुड डे। ये यहाँ हम पहुंच चुके हैं, केदारनाथ की यात्रा हमारी शुरू हो रही है। गौरीकुंड में खड़े हैं और गौरीकुंड से आगे का जो रास्ता है 16 किलोमीटर, वो हम कवर करने जा रहे हैं। पैदल जाएंगे ट्रैक से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये माइटी हिमालय है, ग्रेट हिमालय आप देख सकते हैं। एंड पीछे आप मेरे क्राउड देख सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो सभी जा रहे हैं, जाने के लिए रेडी है। वी आर ऑल सेट पूरी ट्रैक करने के लिए। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व रज केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। सौ जगत में है विदग्ध, तू एक अखंड तत्व है, कि झूठ काम लोभ जग, तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व रज केदारनाथ। भोलेनाथ मन तुझे केदारनाथ, वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व रज केदारनाथ। केदारनाथ की यात्रा में 30% यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर आ चुके हैं और जंगल जट्टी के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। व्यू एक्सलेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि यात्रा पूर्ण हो चुकी है गौरीकुंड से। यात्रा मेहनत है पूरी, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके चलते जाना है। व्यूज बहुत अच्छा है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े ब्रेक लेना है और बढ़ते जाना है। बैग भी है, करीब 20 kg का बैग है, 20 kg के बैग के साथ में, और थोड़ा टफ है बट इट्स ओके, कवर करेंगे जल्दी इसको। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. साथियों, ये पुल आप देख सकते हो, नया कंस्ट्रक्टेड पुल है। मंदाकिनी नदी है नीचे जो कलकल ध्वनि से बह रही है, और यहीं पे जब 2013 में
में जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और उस समय जो महत्वपूर्ण पुल थे इस नदी पे वो टूट गए थे। उसके बाद में ये नए पुल का जो है कार्य नया किया गया है, आप बोर्ड देख सकते हैं, नए कार्य का मैं आपको दिखा दूँ 2013-14 का। तो दोस्तों ये नदी भी आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया है जिससे कि लोग केदारनाथ यात्रा को सही ढंग से सभी भक्तजन और श्रद्धालुजन उसको पूर्ण कर सकें। जय माता दी। नमस्कार साथियों, केदारनाथ की यात्रा पे ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। करीब 4 किलोमीटर दूर है पवित्र केदारनाथ मंदिर से। हम लोग अभी तक की जो चढ़ाई रही है टफ रही है, सही बात मैं कहता हूँ, टफ है। अगर और खासकर अगर आप बाइकिंग करके आ रहे हैं 300 किलोमीटर तो सीरियसली ये बहुत टफ पड़ने वाली है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, भगवान का नाम लेते हुए, भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो स्पेशल अपनी फिटनेस पे आने से पहले बिल्कुल ध्यान रखिए, सांस वांस की प्रॉब्लम आपको ना हो। और बिल्कुल भी अगर आप एक बार शुरू करें तो भगवान का नाम लेके शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आप पहुंचने वाले हैं, ये बहुत खूबसूरत आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। साथियों अब तक की यात्रा में बहुत ही रही है, मुश्किल से चली है लेकिन बहुत ही सुखद भी रही है। और भोले का नाम लेके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 4-3 किलोमीटर दूर अब रह चुका है। हमारे साथ में बाकी जो श्रद्धालु है, भक्तजन है, वो भी हैं, वो एडवेंचर से ये हैं, ये हमारे साथी। कैसी रही यात्रा अभी तक आपकी? हमारी अच्छी रही, हम लोग 2 बजे निकले थे तो अभी 7 बज गए हैं और काफ़ी टायरिंग जर्नी थी, पर एट द सेम टाइम ये जो माहौल देखकर, ये एंटायर सीनरी देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, तकलीफ तो हो रही है पर वॉटरफॉल्स में लेके जाते हैं, मनाली लेके जाते हैं। okay. केदारनाथ हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम एक ग्रुप को लेके आए, तो 17 लोग हम लोग आए। अच्छा अच्छा अच्छा, गोवा से लोगों को लेके आए। ओके, सो गोवा से समुद्र स्थल से धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग 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 माहौल है, अलग एटमॉस्फेयर। क्या हमारे सारी जितने भी हमारे साथी है सबको हम लोग एनकरेज करें केदारनाथ दर्शन के लिए? ऑफ कोर्स, सबने आना है, सबने यहाँ पे आके एंजॉय करना है, सबने आना है और ये ट्रैक जरूर करना है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो सबने करना है ये ट्रैक। तो ये ट्रैक के साथ साथ एक धार्मिक पवित्र धाम भी है, 4 धाम में से एक धाम, और आप सभी जरूर आइए यहाँ पे। जय भोले, ओम नमः शिवाय। सामने जो है केदारनाथ का पावन द्वार है और इसके ट्रैक के बाद भी पहुंच चुके हम लोग। अब हम पहुंचेंगे, स्टे करेंगे, सुबह जो है आरती और बाकी जो चीजें अटेंड करेंगे। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन मन्न गौरीनाथ शर्व रज केदारनाथ सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू। फ्रेंड्स कल रात में हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे केदारनाथ धाम जो हमारा मंदिर है वहाँ पे रात में हमने स्टे किया। आज मॉर्निंग में हमने बाबा केदारनाथ धाम उनके दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में ये प्रसाद जो अर्पण है बाबा को वो भी किया है। और बड़ा ही मौसम आप देख सकते हैं कि बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है। ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट रहा लेकिन हमने भगवान भोले का नाम लेते हुए कंप्लीट किया इसको। आप सभी आप देखिए इस पहाड़ियों को और साथ में जो हो रही है बर्फबारी उसको।
यात्रा मंदिर दर्शन करके हम वापस की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बर्फबारी भी यहाँ पे हो रही है। यहाँ चारों तरफ बर्फ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर मनमोहक पर्वत भी है। वापसी की यात्रा आसान है, चढ़ने में काफ़ी कठिनाई थी लेकिन वापसी में उतनी दिक्कत नहीं है। आराम से हम जा रहे हैं और बर्फबारी का नज़ारा भी देख रहे हैं। आप सभी देखिए बर्फबारी। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम।